You are watching Rahini Jar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. एक चौथे नंबर पर मसला पूछा गया है। अक्सर औरतें, चूंकि ये एक नेचुरल ट्रुथ है कि हम औरतें जो हैं इन्हें एक महीने में पीरियड्स होते हैं, हैज आता है, वो 5 दिन है, 7 दिन है, हर एक की अपनी रूटीन है। लेकिन कुछ औरतें रमज़ान शरीफ में रोज़ा पूरा करने के लिए, 30 दिन का रोज़ा पूरा करने के लिए, वो कुछ अद्वियात इस्तेमाल करती हैं ताकि पीरियड्स बंद हो जाएं, 10 दिन बाद आ जाएं, या रमज़ान का महीना गुजर जाए फिर आ जाएं। तो ऐसा करने से अगर उनका हैज़ रुक जाता है, तो वो नमाज भी पढ़ सकती हैं, रोज़ा भी रख सकती हैं, पाक है। लेकिन ये चूंकि कुरान और हदीस में बयान हुआ है और शरीयत ने शरई माजूर कहा है औरतों को, तो अगर वो इसमें हैज की हालत में हैं तो उनको नमाज माफ़ी है, कोई मुआखज़ा नहीं है। शरीयत एक अगर आपको रिलीफ दे रही है तो हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका रिलीफ लेना चाहिए। तो नमाज जो है उसकी कज़ा नहीं है, उसका कोई मुआखज़ा नहीं है। रमज़ान में अगर, रमज़ान शरीफ में अगर हैज़ किसी औरत को आता है तो उस सूरत में वो बाद में किसी भी दिन रोज़ों की कज़ा करेगी, इस पर कोई फिदिया वगैरह नहीं है। सय्यदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ने, आप फरमाती हैं कि जब रमज़ान मुबारक में मेरे कुछ रोज़े अय्याम मखसूसा के सबब रह जाते तो मैं उनको आइंदा दिनों में पूरा करती थी, और आइंदा दिनों में भी सय्यदा आयशा कहती हैं कि शाबानुल मुअज्जम में पूरा करती थी, यानी 11 महीने बाद वो जाकर रोज़े, यानी आप इसकी कज़ा कभी भी कर सकते हैं, कज़ा की ये हुक्म नहीं है कि नेक्स्ट मंथ फौरन आप करें। तो इसलिए अब एक तो ये मसला है कि शरीयत के अगेंस्ट नहीं जाना। दूसरा मसला इसमें यह है कि ये एक कुदरती अमर है और औरतों के साथ है बिल्कुल। अगर आप अद्वियात के ज़रिए से कोई औरत अपने पीरियड्स रोकती है तो वो बीमारी का ख़तरा लाहिक होता है, बीमारी से बचने के लिए और शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए बेहतर ये है कि ऐसा अमल ना किया जाए। आप एक तरफ सवाब कमाने लगे हैं कि मैं रोज़ा पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप अपने जिस्म का भी नुकसान कर रही हैं, और दूसरे नंबर पर आप जो है वो शरीयत ने जो रिलीफ दी है वो उसके भी ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको मज़ीद दीन मतीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद भी किसी का कोई सवाल होगा नमाज मगरिब में, नमाज इशा में, फजर में कोई पूछे, हम इसी तरह नमाज असर में उसको बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफ़ा करीम सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे